शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शासन द्वारा गरीबों को मिलने वाली राशन वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिए सभी दुकान संचालकों को कई बार आगाह किया है, लेकिन आज भी इलाकों में जिम्मेदार लापरवाह बनकर तमाशाबीन हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है। नरवर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 और 4 में संचालित प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार शासकीय उचित मूल्य दुकान का सेल्समैन नरोत्तम शर्मा हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के अनुसार राशन वितरण नहीं करता है। 80 किलो राशन मिलने वाले हितग्राही को 60 किलो राशन और 30 किलो राशन वाले हितग्राही को 8 किलो राशन देकर बेखौफ होकर दुकान चला रहा है। इस दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से नहीं बल्कि बरसों पुराने पलवे से वजन करके करीब हितग्राहियों को हर माह कटौती करके राशन दिया जाता है, चाहे वह राशि से मिलने वाला राशन हो या फिर मुफ्त वाला पर्ची है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का मुफ्त राशन भी हर माह डकार लिया जाता है। कहा जाता है कि राशन कम आया है, बाद में ले जाना। जब इस मामले में पीडीएस प्रभारी एडीएम अंकुर गुप्ता से चर्चा की तो संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए। 4 में रह गए सर, वो राशन पानी नहीं दे रहे 3 महीने से। कौन नहीं दे रहा? जे कंट्रोल वाले लगा देते हैं कि क्या कहते अभी आया नहीं है, क्या कहते अब तुम्हारी पर्ची चालू नहीं हुई, पर्ची चालू हो चुकी है। जो राशन मिलना था वो आपको पूरा मिल गया? नहीं मिला? नहीं मिला। कितना मिला है राशन? 8 किलो 20 किलो मिलना था। 20 किलो मिलना था? 40 किलो मिलने दिए नहीं, मतलब डबल की डबल राशन में आपको 40 किलो मिलना था। हाँ। तो कितना दिया है? 8 किलो। तो आपने कंट्रोल वाले से कहा नहीं? कहा ना, इसे वो मैंने दिया नहीं। नहीं, आपसे क्या कहा कंट्रोल वाले ने? कई तुम तो कई 10 का तो होंगे या नहीं मिल रहा, चालू नहीं हुआ। 30 किलो मिलता है। आपके यहाँ सदस्य कितने हैं? सदस्य हमारे 8 सदस्य हैं। तो 30 किलो क्या पैसे लेके मिलता है या कैसे मिलता है? पैसे लेके एक देता है तो 2 महीने के कह के है, तो 1 महीने के तो पैसे लेता है 30 रुपए, और राशन भी 30 किलो ही देता है, और 2 महीने के कह के देता है तो 1 महीने के 30 रुपए लेते हैं और 1 महीने का मतलब फ्री दे। 60 किलो मिलता है राशन, 80 किलो नहीं मिलता। आपका नाम? मैं पूरन सिंह पाव। कहाँ से आए हैं? कुलमी छोड़। क्या समस्या है आपकी? हमारे जो किसान के पूरा के बांध बनने वाला है, जो वहाँ का जीवन का साधन पूरा खेती है, अब वो बांध बनने से पूरे ने किसान डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, उनका जो लड़के बच्चे सब ने बिखर जाएंगे, नहीं पूरे घर परिवार। तो इसकी शिकायत की आप? इसकी शिकायत हम कलेक्टर को भी दिए हैं और कमिश्नर साहब को भी। आपका नाम? सत्येंद्र तिवारी, ग्राम पंचायत कुलमी छोट, उप सरपंच। कहाँ से आए? कुलमी छोट। समस्या क्या है? पूर्व में भूमकार जलाशय के नाम से बांध बना था हमारे एरिया में, जो अब सिंचाई विभाग उसमें दोबारा पुनः काम करने के लिए बोल रहा था, पानी बहाव कर रहे थे। हम ग्रामीण जन ने रोक लगाए थे कि भाई अब पूर्व में जो कि बांध बना था, बांध बनने के हिसाब से कोई भी मुआवजा नहीं मिला, और अभी कलेक्टर साहब को ये कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे कि जितना बांध बना है यथावत रहने दिया जाए, इससे आगे काम न कराया जाए, यही ग्रामीण जनों का सबका अपेक्षा है। तो आज जो है जन सुनवाई में आप लोग आए हैं जी, है ना जी। और ज्ञापन आप लोग दिए, कितने लगभग कितने लोग हैं आप लोग? 30-40 लोग। और जो है 30-40 लोग आए हैं, सब गए थे कलेक्टर साहब? सब गए थे, है ना। क्या आश्वासन दिए? कलेक्टर साहब नहीं थे, गए थे तो आवक जावक में दे के आ गए हैं, और कमिश्नर साहब को भी दिए। आप लोग क्या चाहते हैं? कि बांध जितना है उतना रहने दिया जाए यथावत, आगे का कार्य कराया ना जाए। मेरा नाम मोहम्मद सैलाज। क्या है आपका? हमारे गांव में 2008 या 2009 में बांध बना था, जिसको डैम के नाम से बनाया गया था। कौन सा बांध? नाम क्या है बांध का? भूमकार जलाशय के नाम से है, जिसको डैम के नाम से पहले बनाया गया रहा, जो हमारे गांव के जितने भी किसान थे सबको यही बताया गया रहा कि ये डैम बन रहा है, छोटा सा डैम, किसी का जमीन कोई कुछ नुकसान नहीं होगा, ना किसी का डूब में आएगा। फिर इसके बाद वहाँ से इंजीनियर जो थे वो प्रस्ताव दे के उस बांध को बड़ा बना दिए, और अब इस वर्ष फिर से अभी आए थे जो इंजीनियर, तो वो बोले पानी खाली करो, ये बांध को और बड़ा बनाना है, 2-3 मीटर ऊंचाई करना है, और प्लस इसकी जो भीट की लंबाई है उसको भी लंबा करना है, जिससे हमारे गांव भूमकार कुलमी बिल्डकुरी का जो किसानों का जमीन है वो बहुत अधिक मात्रा में डूब क्षेत्र में आ रहा है, इतना आ रहा है कि मतलब
पूरे किसान जो है भूमिहीन हो जाएंगे, उनके पास कोई चारा ना रहेगा। तो गवर्नमेंट वो जो आए थे वो बोले कि मुआवजा मिलेगा, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो बोल रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारा जमीन रहने दिया जाए, बांध जितना बना है उतना रहने दिया जाए, जितना डूब गया है उतना रहने दिया जाए बस, और बांध ना बने।